तसव्वुफ की जुबान में वो जहत उरूज थी, ये जहत नुज़ूल का तमाम, वो उरूज का आलम था, ये नुज़ूल का तमाम था। वहां जज बाकी रह गई थी या जज कामिल था, और फिर रब्बे कायनात ने जब अपनी सारी तजल्लियात चेहरे अक्दस के अंदर उतार दी तो फरमाया आका ने अना मिलतुर रहमान, जिसने रब को देखना हो मुझे देख लिया, तो सारी तजल्लियात आ गई। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम अर्ज करने लगे, मौला मेरी दुआ उधार पड़ी है, तीनों पैगंबर की इल्तिजा कभी रद्द नहीं की, पैगंबर की इल्तिजा कभी रद्द नहीं की, तूर वाली इल्तिजा, तजल्लियात तो जज हो गई मगर दीदार तो अभी तक पेंडिंग है, तजल्लियात आ गई मगर दीदार की दरख्वास्त अभी तक मुलतवी रखी है, ये इल्तिजा कब खत्म होगा? फरमाया मूसा आज शबे में आज खत्म होगा। छठे आसमान पर आ मुस्तफा मेरी तजल्लियात को अपने चेहरे पर सजा कर आ रहा है, और चेहरा मुस्तफा मजार खुदा होकर आ रहा है, वो मेरा मुस्तफा उतर रहा है, तू रास्ते में खड़ा हो जा, ये 50 नमाजें और 6 महीने के रोजे ये तो बहाना है, तू रास्ते में इल्तिजा करना। और बाज आरिफों ने लिखा है, आरिफों ने, कि हजरत मूसा ने 9 मरतबा इल्तिजा की थी तूर पर, आरिफों ने कितनी मरतबा? 9 मरतबा इल्तिजा की थी दीदार की। फरमाया मूसा तू मेरे मुस्तफा को तकते जाना, मेरा दीदार होता जाएगा, और तूने 9 बार कही थी, हर बार मुस्तफा को 5-5 नमाजों की बख्शिश करूंगा, 9 बार मुस्तफा मुझे देखता जाएगा, तू मुस्तफा को देखते जाएगा। बस बात वहीं छोड़ देते हैं, बेहतर है नीचे नहीं उतरे। मुस्तफा मुझे तकता जाएगा, तू मुस्तफा को तकते जाए, 9 बार का वादा होता जाए। तो दोस्तों तजल्लियात और कैफियात ये जलवा से, दीदार से, तकने से होती हैं। सूफिया तकते हैं, उलमा समझते हैं, सूफिया तकते हैं, उलमा समझते हैं। तो समझने से कैफियत नहीं होती, तकने से कैफियत होती। अल्लाह हमारे हाल पे करम फरमा दे। वमा अलैक नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा अल्लाह अकबर।